कुछ वर्षों पहले हमारे मुनि वत्सल स्वामी जी विराजमान है यहाँ पर, दिल्ली की एक स्कूल में गए, सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं के बच्चे बैठे थे 800। उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप लोगों में से ध्रुव का नाम सुना हो वो उंगली ऊंची करे, श्रवण का नाम यदि सुना हो तो उंगली ऊंची करो, नचिकेता या प्रहलाद का नाम सुना हो तो उंगली ऊंची करो। आश्चर्य होगा कि 15-20-25 जितनी उंगलियां ऊंची हुई। लेकिन जब ये पूछा गया कि आप में से माइकल जैक्सन का नाम कितनों ने सुना है, 800 उंगलियां ऊंची हो गई। आज हमारे बच्चों को माइकल जैक्सन कौन है ये पता है, उसको ध्रुव प्रहलाद नचिकेता श्रवण के बारे में नहीं पता। तो इस ऐसी अवस्था में किस प्रकार से हम अपेक्षा रख सकते हैं कि हमारा बालक ध्रुव श्रवण और प्रहलाद जैसा बने? तो ये बात, ये संस्कार हमें देने पड़ेंगे। यदि हम संस्कार नहीं दे पाते हैं तो कैसी परिस्थिति होती है, एक बड़ा अद्भुत व्यंगात्मक भजन है, गीत है। एक माँ बाप पैसे कमाने अमेरिका चले गए, वहां पर बच्चे पैदा हुए, बच्चों को कभी उन्होंने संस्कृति के बारे में, अपनी मातृभाषा के बारे में, अपने भजन के बारे में, अपने भोजन के बारे में, अपनी भाषा के बारे में, अपनी भूषा के बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया था। बाप ने बच्चों को पहले से ही, बचपन से ही हिंदू संस्कृति के, हमारे धर्म के, हमारे अध्यात्म के यदि विचार नहीं दिए, संस्कार नहीं दिए। प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं कि यदि आप अपने संतानों को संस्कार नहीं दोगे तो आपको संपत्ति और संतति दोनों को गवाने की बारी आएगी। स्वामी जी अमेरिका पधारे हुए थे और वहां एक सदग्रहस्थ ने स्वामी जी की शिकायत करते हुए कहा स्वामी जी, मेरा लड़का, मेरा बच्चा, मेरा अपना ही खून मुझे नॉनसेंस कहता है। स्वामी जी उसे जानते थे। स्वामी ने कहा, तूने बरसों से मैं तुझे देख रहा हूं, तू कभी अपने बच्चे को सत्संग में नहीं लाया, तू कभी अपने बच्चे को इस प्रकार से भजन की बात नहीं की, तूने कभी अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं निकाला, पूरी जिंदगी व्यापार में ही लगा रहा, तो अब तेरा बच्चा तुझे नॉनसेंस नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा। देखो, हमें हमारे बच्चों को संस्कार देने ही चाहिए। आज हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, हमारा बच्चा पायलट बन जाए, हमारा बच्चा बहुत बड़ा डॉक्टर बने, लेकिन कितने माँ बाप ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा ध्रुव जैसा, नचिकेता जैसा, प्रहलाद जैसा और मेरा बेटा श्रवण जैसा बने। तो यदि ये इच्छा हो तो आपको बच्चों के संस्कारों की चिंता करनी पड़ेगी। आज हम देखते हैं कि प्रमुख स्वामी महाराज जैसे संत जो स्वयं संसार से विरक्त होकर शादी किए बिना त्यागी तपस्वी के रूप में जीवन जीते हैं, लेकिन उन्हें ये संसार की पड़ी है। उन्होंने हम सब आप गृहस्थों के बच्चों के लिए बाल मंडल का प्रारंभ कराया। आज विश्व में 8000 से भी अधिक बाल मंडल की शाखाएं चलती है, जिस शाखाओं में 4 लाख से भी अधिक बालक प्रति सप्ताह, सप्ताह में एक बार अपनी अपनी सोसाइटी में इकट्ठा होकर ये धर्म के संस्कार प्राप्त करते हैं। राम कौन हो गए, कृष्ण कौन हो गए, माता महादेव कौन हो गए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, ये बातें उनको इस बाल मंडल में सिखाई जाती है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे जैसे 100 से भी अधिक संतों को बाल मंडल की सेवा में नियुक्त किया है। ये बहुत बड़ी चिंता आज ये संत ने इन बच्चों की है, तो हमें भी अपने बच्चों की चिंता करनी चाहिए। बच्चों के संस्कार के कोई इंजेक्शन नहीं मिलते, उनके कोई टैबलेटें नहीं आती है, उनके लिए कोई ऐसे वैक्सीनेशन वाले टीके नहीं लगते हैं, उनके लिए तो आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, समय निकालना पड़ेगा, स्वयं अपने आप को शुद्ध आचरण से प्रक्षालित करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे बच्चों को ये संस्कार मिलेंगे। ध्रुव की माता ऐसी आचरण वाली थी, बेटे को जंगल का मार्ग दिखाया, ध्रुव घर से निकल पड़ा है और ये छोटे से बालक ध्रुव को रास्ते में नारद जी मिले। नारायण नारायण, शास्त्र में कोई भी कथा ऐसी नहीं है जो नारद जी के बिना पूर्ण हो पाए। नारद जी ने कहा, अरे ये क्षत्रिय का बीज तो देखो कैसा इसका तेज है कि अपनी माँ ने एक क्या दो चार कटु वचन कह दिए, इसने घरभार का त्याग कर दिया। नारद जी ने ध्रुव को समझाया, बेटे ध्रुव, भगवान की साधना करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी दो दो तीन तीन जन्म तक साधना करते हैं, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते।
और तूने ये क्या मन में ठान ली है? अरे ये उम्र तो खेलने कूदने की है बेटा, घर चला जा और अच्छी तरह से खेल कूद कर अपना जीवन व्यतीत कर और भविष्य में बड़े होने के बाद भगवान का भजन कर लेना। लेकिन ध्रुव ने कहा कि नारद जी, इस समय मेरा हृदय जो है वो मेरी माता के कटु वचनों से विदीर्ण हो गया है, इसलिए नारद जी वैसे भी मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, इसलिए आपके ये मधुर सलाह के वचन मेरे हृदय में टिक नहीं पाएंगे। आप तो मुझे कृपा करके ऐसा उपदेश दीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे कोई आदेश दीजिए कि जिससे मैं भगवान का भजन करके उनका साक्षात्कार कर पाऊं। नारद जी छोटे से बालक का तेज देखकर राजी हो गए। नारद जी ने कहा, बेटा जा यमुना के तट पर जाकर यमुना के जल में 3 बार स्नान कर लेना और स्नान करने के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये श्लोक का, इस मंत्र का तू गान करना। इस मंत्र के गान से तेरे साधनों की परिपूर्ति होगी, तेरे मन की अभिलाषाओं को भगवान पूर्ण करेंगे। और ऐसे विचार के साथ अब ध्रुव निकला है। देखो शास्त्रों में बहुत बड़ा ये आदेश है कि भगवान का मंत्र, वो भी ऐसे सच्चे गुरु के द्वारा जब प्राप्त होता है और वो गुरु के द्वारा प्राप्त हुए मंत्र पर जब हम साधना करते हैं तो जीवन में सविशेष हमें आनंद का अनुभव होता है। ध्रुव को नारद जी ने मंत्र दिया और उस मंत्र का अब वो साधन करने लगे। ऐसा कठोर तप किया उसने, पहले महीने 3-3 दिन तक उपवास रखकर 3रे दिन के अंत पर संध्या वंदना करने के बाद केवल बेर खाकर उसने 1 महीना निकाला। दूसरा महीना जब प्रारंभ हुआ, ध्रुव ने सोचा कि इससे भी कोई कठोर तपश्चर्या करनी चाहिए। ध्रुव ने दूसरे महीने में 6-6 दिन तक उपवास रखा और 6ठे दिन के अंत में संध्या वंदना करके बाद उसने केवल सूखे पत्ते और घास खाकर 1 महीना और निकाला। 3रे महीने के प्रारंभ में पुनः ध्रुव ने विचार किया कि इससे भी अधिक यदि कोई साधन हो तो उस साधन को किया जाए। 3रे महीने में ध्रुव ने 9-9 दिन तक उपवास रखकर 9वें दिन संध्या वंदना करने के बाद केवल जलपान करके 1 महीना और तपश्चर्या की। और 4था महीना जब आया, ध्रुव ने सोचा कि अब इससे भी अधिक रूप से यदि साधन करना हो तो अब एक मार्ग है, 12-12 दिन तक उपवास रखने के बाद 12वें दिन केवल 1 बार वायु भक्षण करके उसने 1 महीने और साधना की। 5वां महीना आया, अब ध्रुव ने ये निश्चय कर लिया है कि एक पांव पर खड़े रहकर ऊर्ध्व बाहु होकर केवल अब वायु भक्षण का भी परित्याग करके भगवान का भजन करना है। ध्रुव ने ऐसा कठोर तप किया और चारों ओर हाहाकार मच गए, बड़े बड़े देवता विस्मित हो गए कि ऐसा अद्भुत आज तक हमने तप एक छोटे से बालक के द्वारा कभी नहीं देखा। और सारे के सारे बाप जो देवता थे, इंद्र तो बेचारा घबरा गया कि हो न हो ये बेटा, ये बालक ध्रुव वो इंद्र पदवी का दावेदार हो जाएगा तो मुझे मेरे ये इंद्र पद को छोड़ना पड़ेगा। इंद्र ने जाकर भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि मैं अभी ही उसे दर्शन देकर उसको साधना में से उसको विरमित करता हूं। भगवान स्वयं जो बड़े बड़े योगियों को 3-3, 4-4 जन्म तक साधना करने पर भी दर्शन नहीं देते, वही भगवान आज छोटे से बालक ध्रुव के साधना को, उसकी तपश्चर्या से प्रसन्न होकर गरुड़ पर विराजमान होकर आज उसके सामने विराजमान हो गए हैं। ध्रुव की आंखें बंद थी, हृदय में भगवान के दर्शन वो कर रहा था, लेकिन अचानक हृदय में दिखाई पड़ने वाली मूर्ति अदृश्य हो गई। ध्रुव एकदम विचलित हो गया और उसने आंखें खोली, तब सामने भगवान के दर्शन हुए। ध्रुव गदगद हो गया, बाष्पकंठ हो गया। ध्रुव को भगवान के साक्षात्कार का अनुभव हुआ। ध्रुव कुछ बोलना चाहता था,
भगवान की वंदना करना चाहता था, भगवान की स्तुति करना चाहता था, लेकिन वाणी नहीं थी, क्योंकि 5 साल का बालक, भाषा का पूरा ज्ञान नहीं था। और भगवान के सामने निर्दोष चेहरा लेकर खड़ा ये ध्रुव, भगवान ने अपने वेदमयी शंख का स्पर्श ध्रुव के गाल से करा दिया, और उसी समय ध्रुव उसको वाचा प्रकट हुई, और ध्रुव ने उस समय भगवान को कहा, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवखिल शक्तिदरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तश्रवण चरणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कि हे भगवान, आपने अपने वेदमय शंख का स्पर्श करते मेरे सभी इंद्रियों को जो सुषुप्त थी उन इंद्रियों में संचार आपने डाल दिया। आप सचराचर जगत को संचरित करने वाले हैं भगवान, आपको आपने मुझे दर्शन दिए, मैं आपके चरणों में वारंवार प्रणिपात करता हूँ। ध्रुव की भगवान ने प्रार्थना की और ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। लेकिन एक छोटा सा बालक आप देखिए, एक लगन लग गई थी। जब इंसान के जीवन में एक लगन लग जाती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अरे भगवान को भी स्वयं साक्षात वैकुंठ में से प्रकट होकर दर्शन देने आना ही पड़ता है। ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए, लगन लगनी चाहिए। गीता में कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो व्यक्ति तत्पर बनता है, जो व्यक्ति श्रद्धावान बनता है, उसको साधनों की समाप्ति तुरंत हो जाती है। श्रद्धावान और तत्परता, एक उत्कंठा कि कागा सब तन खाइयो, मेरे पूरे शरीर को आप छलनी कर देना। शेख फरीद भगवान की साधना करने जंगल में गए, विचार किया कि कठिन से कठिन तप करना है। पेड़ की डालियों पे उल्टे लटक कर भजन करने लगे, शरीर का सारा लहू मस्तिष्क के विभाग में इकट्ठा हो गया, और कौवे आकर उनके चेहरे को चूबने लगे। उस समय ये शेख फरीद कहते हैं कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस बस, लेकिन ये मेरी दो आंखों को मत खाना, क्योंकि इन दो आंखों से मुझे भगवान आपके दर्शन करने हैं। कैसी उत्कंठा, कैसी लगनी, कैसी तत्परता। ऐसी तत्परता यदि हमारे जीवन में आ जाए तो चाहे वो व्यवहार का मार्ग हो या चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग हो, साधनों की समाप्ति अवश्य होती है। आज संसार में हम देखते हैं कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। अखबार वाले रोज घर घर सुबह उठकर अखबार पहुंचाते हैं। कितनी ही सर्दी हो, कितने ही बारिश की ही इस प्रकार से वर्षा होती हो, या कैसा भी वातावरण हो, रोज सुबह उठकर अखबार पहुंचाना है तो पहुंचाना है। आज गौशाला में काम करने वाले लोग सुबह शाम दो टाइम समय अनुसार प्रातःकाल जल्दी उठकर गौओं की सेवा नहीं करते। अरे मंडी में आड़त का काम करने वाले सुबह 3-3 बजे 4-4 बजे उठकर मंडी पहुंच जाते हैं। कितनी मेहनत आज संसार मार्ग में भी लोग करते हैं, तो ऐसी मेहनत भगवान के मार्ग में हो जाए तो काम हो जाता है। मीराबाई को लगी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। लगन मीराबाई को लग गई, छोटी थी। मीराबाई के लिए ऐसा कहा गया है कि मीरा जन्मी मेड़ता वा परणाई चित्तौड़। जन्म हुआ था मीराबाई का मारवाड़ में, और उनकी सगाई शादी की गई थी मेवाड़ में। छोटी थी तब उस समय मीरा ने एक बारात को देखा, पूछा, माताजी ये क्या हो रहा है? मां ने कहा, बेटा लड़के की शादी लड़की से, दूल्हे की शादी दुल्हन से कराई जा रही है। मीराबाई ने कहा, मां मेरी भी शादी करा दो। किससे कराओगे? उस समय मां ने बड़े प्रेम से कहा, सहज भाव से कहा था माने कि बेटा जा, तेरी शादी में गिरधर गोपाल से कराती हूँ। उसी समय से मीराबाई ने भगवान से प्रीत जोड़ दी और ऐसी लगन लगाई कि भगवान की पूरी जिंदगी उन्होंने भजन किया, सत्संग किया, एक लगन लगाई थी। तो लगन लगना बड़ा जरूरी होता है। आप देखिए कि बेथोवन नाम के एक बहुत बड़े संगीतकार ने इतनी अद्भुत संगीत की प्रस्तुति दी, लोग मंत्रमुग्ध हो गए, तालियों की वर्षा 5 मिनट तक अविरत चलती रही,
और जब वो बेथोवन शो पूर्ण करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर लौट रहे थे, एक नवयुवान ने सीधे प्रश्न पूछा कि इवन आई वॉन्ट टू प्ले म्यूजिक लाइक यू, व्हाट शुड आई डू, मुझे आपकी सफलता का रहस्य बताइए। उस समय बेथोवन कहते हैं हंसते हंसते कि इट्स वेरी सिंपल, इट जस्ट टुक मी 40 years, 8 hours, नो वेकेशन, नो हॉलीडे, कि 40 साल तक मैंने साधना किए, 8 घंटे हर रोज, कोई वेकेशन नहीं, कोई हॉलीडे नहीं। देखो संसार में ये जो भी लोग आगे बढ़े हैं मेहनत से ही आगे बढ़े हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ही, केवल मनोरथ करने से कोई कार्य संपन्न नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है।